फिर से आपके बीच फिलॉसफी का नया वीडियो मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ टीचर्स के लिए मनोज आर्यस के माध्यम से। आइए आज डिस्कस करते हैं फिलॉसफी के बारे में। भारतीय दर्शन, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका आपको, दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक में मैंने पहले बताया था आपको योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये छह दर्शन हैं। इन्हें षड् दर्शन भी कहते हैं। अब नास्तिक की बात कर ले, इसमें आते हैं चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये तीन दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाए जाते हैं। मैं आपको फिर बता चुका हूं आस्तिक नास्तिक का, फिर बता देता हूं एक बार। आस्तिक दर्शन वो जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, नास्तिक दर्शन वो जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। आज बात करेंगे चार्वाक दर्शन की। चार्वाक फिलॉसफी जो कि एक बड़ी मनभावन फिलॉसफी है आजकल के समय को देखते हुए, भौतिकवाद का युग है उसको देखते हुए बड़ी मनभावन फिलॉसफी है, लेकिन इस पर चर्चा करना जरूरी है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और पूरा क्वेश्चन मेरे टेस्ट सीरीज से और मेरे नोट से आया था। आज चर्चा करते हैं दर्शन में। चर्चा करने से पहले यह समझ लेते हैं दर्शन का उदय कैसे हुआ, दर्शन का विकास कैसे हुआ, दर्शन का जन्म कैसे हुआ, दर्शन है क्या। दर्शन की शुरुआत दोस्तों सुनिएगा अच्छे से, दर्शन की शुरुआत दोस्तों जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी से। मनुष्य के मन में जिज्ञासा जागी, ये क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है और हमारे ज्ञान के स्रोत क्या है, क्या यह ज्ञान के स्रोत प्रमाणिक है। हर दर्शन अलग अलग दर्शन है, पश्चिमी दर्शन अलग है, भारतीय दर्शन अलग है। हर दार्शनिक ने एक दूसरे की विचारधारा को काटा है, फिर दर्शन ने नया जन्म ले लिया। कोई भी दार्शनिक ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा दो ही चीज पे चलता है। आपको बता दूं पूरी फिलॉसफी में, होल फिलॉसफी, चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, दर्शन फिलॉसफी हो, चाहे इंडियन फिलॉसफी हो, हम दो ही चीजों पर टिके हैं, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब बात करते हैं पहले ज्ञान मीमांसा। दर्शन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की। साथियों बहुत में होइए, लॉकडाउन है और अच्छे से पढ़िए और सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है। मैं अपने पहले क्लास में भी बोला था, जब मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा रहा था, यही बोला था, हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। चलते हैं दोस्तों देखते हैं। ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का स्रोत। ज्ञान का स्रोत जो भी है वो प्रमाणित है नहीं। हर दार्शनिक ने क्या किया है, ज्ञान मीमांसा, जैसे किसी की भी ज्ञान मीमांसा हो उस पर कटाक्ष किया है, उस पर अपने विचार दिए, उसके बाद दूसरे दार्शनिक पर उस पर अपने विचार दिए, इस तरह आगे चलती रही है। पूरी फिलॉसफी दो चीजों पे है, ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। बात करते हैं दोस्तों तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा ये जो प्रकृति है, नेचर है, ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग नरक है, ये सारी चीजें कैसी है, या सही में यथार्थ में है कि नहीं है, इस पर विचार किया जाता है तत्व मीमांसा। नेचर। अब बात करते हैं दोस्तों जो मेन फिलोसफर है नास्तिक दर्शन के, चार्वाक। चार्वाक की
क्या मीमांसा? चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा में सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, कहते हैं जो दिखता है उसी को प्रमाण माना जाए, जो हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभूत कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, हम उसी को प्रमाण मानेंगे। ये चार्वाक ऐसा कहते हैं। चार्वाक कहते हैं कि ज्ञान जो है इस पर टिका है। अगर लोग मानते हैं कि अनुमान पर टिका है, इन्फेरेंस पर टिका है, चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा में कई चीजों का खंडन करते हैं। पहला है अनुमान, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अनुमान का मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना। आप पर्वत पर धुआं देखते हैं तो आपको लगता है कि आग जल रही होगी, धूप देखते हैं, धुआं देखते हैं पर्वत पे तो आपको लगता है आग जल रही होगी, आप कहते हैं मस्ट बी अ फायर, वहां पे आग होगी, लेकिन नहीं। आप पर्वत पर चलेंगे, हो सकता है बर्फ का भी धुआं हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका अनुमान सही बैठे। आपने रस्सी देखी, कई बार रात में रस्सी पर नजर पड़ती, कोई रस्सी पड़ी रहती है, रस्सी में आपको सर्प का आभास हो जाता है, सांप का आभास हो जाता है, समझे दोस्तों, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा, सांप का आभास हो जाता है। तो जब आप पास जाकर उसको देखते हैं, सांप का अनुमान हो जाता है, जब पास जाकर आप देखते हैं उसको तो आप पाते हैं कि तो रस्सी है, सांप नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं अनुमान जो है ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता, ज्ञान का स्रोत नहीं होता, सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो सकता अनुमान। उनका कहना है अनुमान व्याप्ति पे आधारित है। व्याप्ति मतलब आपके मन में कोई चीज व्याप्त हो, आपने रस्सी में सर्प का ज्ञान व्याप्त कर लिया, पर्वत में धुएं का ज्ञान व्याप्त कर लिया, तो व्याप्ति कभी सही, व्याप्ति अपने आप में सही नहीं होती, तो अनुमान के लिए वो क्या सही बैठे, तो इसलिए अनुमान का वो खंडन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद चलते हैं शब्द प्रमाण। जो वेदों में शब्द लिखे हैं, ऋषि मुनियों ने शब्द दिए हैं, मंत्र दिए हैं, सब कुछ दिए, उनका भी खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि जो जिस पर जिसने वेद लिखा या जिसने वेद की रचना की, क्या वो सही थे, क्या वो लोग सही थे, उनकी बातें हम कैसे सही मान लें, लिखे वो कौन प्रमाण नहीं मानते, शब्दों को हम प्रमाण नहीं मानते, शब्द तो बदल जाते हैं, शब्द जो है हो सकता है आज किसी ने ये शब्द दिया, कल दूसरा कोई शब्द देते तो वो शब्द प्रमाण नहीं मानते, शब्दों को भी नहीं मानते, इस पर भी काटा मारते। अब कहते हैं उपमान। उपमा मतलब किसी चीज की उपमा दे, कहते हैं किसी चीज की उपमा दे रहे हो आप कि वो ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज ऐसी हो कि ये चीज भी ऐसी होगी। दोस्तों उसका भी खंडन करते हैं, कहते हैं उपमान तो कभी सही हो नहीं सकता। अनुमान में एक चीज और है दोस्तों, अनुमान के बारे में बता दूं, अनु प्लस मान, यानी अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है ज्ञान, यानी बात का ज्ञान, पश्चात ज्ञान। फिर कहते हैं पश्चात ज्ञान से मतलब क्या, बात के ज्ञान से क्या मतलब, तो इसलिए वो अनुमान को मानते हैं। ठीक है, अब उपमान की बात करते हैं दोस्तों, वो ये कहते हैं कि उपमा किसी की किसी से नहीं की जा सकती, कोई किसी में कुछ कैलेबर है, किसी में कुछ सामर्थ्य है, हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती, तो उपमा को भी वो खंडित कर देते हैं, उपमान को खंडित कर देते हैं। अनुमान का खंडन किया, शब्द विचार का खंडन किया, उपमान का खंडन किया, ये इनकी ज्ञान मीमांसा है। आगे आने वाले वीडियो में मैं नोट्स भी दिखाऊंगा, लाइव क्लासेस भी चलेगी, तो उसमें हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम चार्वाक की तत्व मीमांसा, समझे दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं चार्वाक की तत्व मीमांसा। दोस्तों लॉकडाउन में जंग ना लगने दीजिए, हौसले बिल्कुल पस्त ना होने दीजिए, हौसले बुलंदियों में रहने चाहिए। मैं हर क्लास में अपने बच्चों को मोटिवेट करता हूं, अभी भी मोटिवेट करता हूं, और तीन लाइनें मेरी हमेशा फेवरेट है, और मैं खुद अपने ऊपर उसका पालन करता हूं। लहराओं से डर के नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, तो कुछ करना है उसके बाद जय जयकार होगी, और निश्चित रूप से सिलेक्शन लेंगे। और फिलोसफी ऐसा सिलेबस लगाया है आपने, यहाँ सबसे ज्यादा सिलेबस फिलोसफी का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना फिलोसफी से। ठीक है, मेरे छत्तीसगढ़ वाले बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जरूर उनको बहुत ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और कोरोना से जंग लड़ने में मैं उनके साथ हूं, और उनके पढ़ाई में भी मैं उनके साथ हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चार्वाक की तत्व मीमांसा। साथियों
चार्वाक की तत्व मीमांसा प्रॉपर भौतिक सुख पे आधार है। इनका कहना है यावे जीवे सुखम जीवे ऋणचा घी पीवे, मतलब जब तक जियो सुखी से जियो चाहे उधार मांग के घी पीना पड़ जाए। और इनकी पूरी फिलॉसफी जो है भोगवाद पे आधार है। इनका कहना है इंद्रियों का सुख, धरती पे आए हो तो इंद्रियों का सुख, संभोग भोग सारे सुख इनका कहना है। आइए बात करते हैं। चार्वाक कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है तो हमको बताओ कहां है। उसका कहना है कि ईश्वर ने यह विश्व नहीं बनाया, यह विश्व ईश्वर ने नहीं बनाया। प्रकृति के जो पांच भूत महातत्व हैं, धरती आकाश पृथ्वी जल, आकाश को नहीं मानते हो, धरती पृथ्वी जल आदि के नेचर में मिलना था, इनके स्वभाव में मिलना था और स्वभाव में मिलकर सृष्टि का निर्माण करना था। ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं, इसका निराकरण करते हैं, रिफ्यूटेशन करते हैं, ईश्वर को ये नहीं मानते। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग भारतीय दर्शन में बौद्ध को छोड़ के और चार्वाक को छोड़ के सबने आत्मा को माना है, सबने आत्मा को माना है, शरीर से पृथक सबने आत्मा को माना है। ठीक है, आत्मा हमारे शरीर में रहती है और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा हमसे पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। चार्वाक कहते हैं कोई आत्मा आत्मा नहीं, जो कुछ है शरीर है सुख भोगो। चार्वाक का नाम चार्वाक कैसे पड़ा, चर्व धातु से। चर्व धातु का मतलब है चबाना, खाना पीना मौज करना, ईट ड्रिंक एंड मैरी। ठीक है, इनका कहना है कि खाओ पियो और मौज करो और दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये शरीर जो मिला है यही शरीर है, शरीर का खात्मा हो जाता है तो सब खत्म हो जाता है। जितना सुख भोग सको, कामेंद्रियों को सुख दे सको, अपना सुख लेते रहो, इनका कहना ये आत्मा का भी ये खंडन कर देते हैं। अब बात करते हैं स्वर्ग नरक। स्वर्ग नरक कहते नाम की कोई चीज ही नहीं होती, स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। वो कहते जो भी स्वर्ग है वो यही है, शरीर का सुख है सब, जिसने अपने शरीर को सुख दे दिया वही स्वर्ग है और मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। उनका कहना ये जो है यही है। और बात करता हमारा भारतीय दर्शन का अल्टीमेट गोल क्या है, मैंने पहली क्लास में बताया था दोस्तों, मोक्ष, मोक्ष लिबरेशन। ठीक है, चार्वाक कहते हैं मोक्ष तो कभी मिल ही नहीं सकता दुनिया में किसी को, जब तक ये शरीर रहेगा दुख रहेंगे, दुख कष्ट परेशानी होगी, जब शरीर चला जाएगा तो अपने आप ही आदमी को हर चीज मिल जाएगी। वो कहते हैं मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती, कहते मोक्ष एक कोरी कल्पना है। उनका कहना है मोक्ष एक कोरी कल्पना है। उनका कहना है कि आए हो तो शरीर का सुख लो, भौतिक सुख लो, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये चार्वाक दर्शन था। ठीक है दोस्तों, मोक्ष का भी निराकरण कर देते, कहते कोई मोक्ष नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको चार्वाक दर्शन पढ़ते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले आगे दर्शनों ने इस चीज को काटा है, दर्शन को अध्यात्म की तरफ कर गए। चार्वाक का कहना था कि अध्यात्म सुख कुछ है ही नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कुछ नहीं, जो भी है भौतिकता है, जो दिखता है वही है। आकाश को ये नहीं मानते, आकाश को कहते हैं कि हम छू नहीं सकते, उसका स्पर्श नहीं कर सकते, तो इसलिए आकाश कहीं नहीं है, वो आकाश को नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक हुआ, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों सुखवाद, ये अलग से टॉपिक दे रखा आपके यहां सुखवाद। आपको बता दूं उसको हेडोनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। सुखवाद का अर्थ है ओनली सुख, सिर्फ सुख चाहिए, और शारीरिक सुख, भौतिक सुख, शरीर को जो सुख मिल रहा है और जो भौतिकता का सुख मिल रहा है उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हेडोनिज्म है ये, पूछेगा तो आपसे 25 वर्ड में पूछेगा या 50 वर्ड में पूछेगा। आने वाले दिनों में मैं इसके बारे में टॉपिक पे लिखवा भी दूंगा आने वाली वीडियो में, लाइव क्लासेस में। तो सुखवाद आप लोग समझ गए, चार्वाक का यही हेडोनिज्म है। उसके बाद चार्वाक एक चीज और मेंशन करते हैं, स्पर्श। स्पर्श मतलब टचिंग। वो ये कहते हैं चार्वाक, जिस चीज का स्पर्श ना हो
वो चीज विश्वास के काबिल नहीं, उसमें भी वो कोई चीज को ले आते हैं, किसी भौतिक वस्तु को ले आते हैं, उसको छू के बताते हैं कि हाँ ये चीज ये है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद चावाक दर्शन में एक चीज आती और रह जाती है, क्वेश्चन पूछ सकता है चावाक की तत्मीमांसा और ज्ञान मीमांसा को मिलाकर पूछ सकता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तैयार कर लिया हूं, आपको जल्दी मिलेगा, ठीक है। यहां तक हो गया, अब बात करते हैं थोड़ी सी बौद्ध दर्शन। ये भी नास्तिक दर्शन है क्योंकि वेदों को नहीं मानते, ठीक है। बौद्ध दर्शन में हमें पढ़ना है प्रतिपद समुत्पाद, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अनात्मा आज टॉपिक उठाएंगे, अनात्मा। हम जैसे सभी दर्शन दार्शनिक मानते हैं चावाक को छोड़ के और बौद्ध को छोड़ के कि आत्मा होती है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और आत्मा अमर है ऐसा स्वीकार किया गया है। वेदों से लेके दर्शन तक यही माना गया है, पुराणों से लेके हर जगह ये लिखा गया है कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती। बौद्ध का कहना है पुनर्जन्म तो होता है लेकिन आत्मा नहीं होती। यहां ये खुद फंस जाते हैं भाई, पुनर्जन्म होगा तो किसका होगा दोस्तों? आत्मा का ही होगा, लेकिन बौद्ध आत्मा को नहीं मानते, इसके पीछे वो धारा दे देते हैं। कहते हैं जैसे प्रकार शरीर नष्ट होता है दूसरे शरीर का जन्म हो जाता है, जिस प्रकार सागर में धाराएं गिरती हैं, एक धारा खत्म होती है उसका स्थान दूसरी धारा ले लेती है, तो इसलिए वे कहते हैं आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, शरीर नष्ट होता है दूसरा शरीर मिल जाता है। और बौद्ध धर्म की कुछ शिक्षाएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बौद्ध का कहना है दुख है, विश्व में दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है। क्या कारण है उसका? सभी जानते हैं दोस्तों, इच्छाएं, इच्छाएं नहीं मिटती, इच्छाएं नहीं मरती, डिजायर। ठीक है दोस्तों, और दुख खत्म किया जा सकता कैसे? इच्छाओं को खत्म करके, इच्छाओं को खत्म करके। अगर इच्छाओं को खत्म करके, अगर आप इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते तो दुख कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अष्टांगिक मार्ग दूंगा। अष्टांगिक मार्ग दूंगा, जिसे इंग्लिश में कहा गया एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग दूंगा, उसके माध्यम से तुम उसको पालन करोगे, तुम्हारी इच्छाएं खत्म होंगी और तुम निर्वाण की तरफ पहुंचते जाओगे। मोक्ष को कई भाषा में निर्वाण कहा गया, कैवल्य कहा गया, कई सारी चीजें। अब दोस्तों एक आपके यहां टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पाप की अवधारणा, अशुभ की समस्या, थोड़ा सा चेंज है ये, अशुभ की समस्या, अशुभ, अशुभ की समस्या, बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है और आनंद आएगा आपको इस क्लास में। प्रॉब्लम ऑफ ईविल, प्रॉब्लम ऑफ ईविल, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने अपनी पिछली क्लासों में जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था और बच्चों ने कई प्रकार के प्रश्न भी मुझसे किए थे जो उनके दिमाग में आ रहे थे, प्रश्न उन्होंने किए थे और बड़े चैलेंजिंग इशू बन गया था ये, और हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया। तो वो दो प्रकार के अशुभ होते हैं, एक
प्राकृतिक एक ह्यूमन जनरेटेड मानव द्वारा। प्राकृतिक में हो गया आपका भूकंप बाढ़ आदि, इसमें हो गया चोरी हत्या आदि। अब इसमें सवाल उठता है, इसको डिस्कस, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहला सवाल उठता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मतलब क्या ईश्वर का अस्तित्व है? आप लोग ईश्वर को मानते हैं? सभी मानते हैं, ठीक है। अब इसमें अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच में मतभेद है, वो देखते हैं मतभेद क्या बनते हैं। अनिश्वरवादी कहते हैं, नास्तिक पहले क्या कहते हैं, नास्तिक टर्म हटा दीजिए, अनिश्वरवादी सुनिए। अनिश्वरवादी कहते हैं पहले कि अगर ईश्वर शक्तिशाली है, विश्व रचयिता है और सृष्टि का पालक है, तो उसने ये सारे अशुभ आने क्यों दिए? तो भूकंप बाढ़ तो रोक सकता था, उसने आने क्यों दिए? जब उसके पास इतनी शक्ति है तो सबको शुभ ही शुभ देता, अशुभ क्यों देता? उसके बाद फिर अनिश्वरवादी कहते हैं अगर ईश्वर नहीं रोक पाया तो इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए हमें पूजा उसकी। फिर अनिश्वरवादी कहते हैं अगर ईश्वर को तुम दयालु मानते हो इसका मतलब वो दयालु नहीं, वो जानबूझ के भेज रहा, ऐसे अशुभ को जानबूझ के भेज रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग नुकसान उठा रहे हो, जानबूझ के भेज रहा है, तो इसका मतलब ईश्वर शक्तिशाली नहीं है या दयालु नहीं है। तो ईश्वरवादी क्या कहते हैं इस पे देखते हैं, चर्चा करते हैं। ईश्वरवादी कहते हैं अशुभ का होना आवश्यक है, जब तक उसका ध्यान बता भी देते हैं अपने, अगर शुभ ही शुभ होगा सब जगह दोस्तों, सब खुश हैं अपने में, सब खुश हैं, मान लीजिए कोई ऑडी मांग रहा तो ऑडी चली आ रही, मर्सिडीज मांग रहा तो मर्सिडीज चली आ रही, ठीक है, विपाशा मांग रहा विपाशा चली आ रही, कटरीना कैफ मांग रहे कटरीना कैफ चली आ रही, अपने क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो समस्या हो जाएगी, वो तो एक ही है, सभी लोग मांगने लग जाएंगे तो वहां समस्या खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? अशुभ ना होने पे जो मानव है, मनुष्य है, उसकी बुद्धि संकीर्ण हो जाएगी, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा कि मैं खुश हूं, बगल वाला क्या कर रहा उससे मतलब नहीं। जब अशुभ आता है तो आदमी अशुभ से लड़ने की ताकत जुटाता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे की मदद करता है, तो इससे जो क्या होता है, अशुभ जो है जरूरी है, अशुभ का आना जरूरी है, तो इससे आदमी में भाईचारे का, बंधुत्व की भावना का विकास होता है। दूसरी बात कहते हैं दोस्तों, अगर अशुभ नहीं होगा दोस्तों तो सबसे बड़ी चीज हमारे धर्म ग्रंथों की व्याख्या, जो हमारी महाभारत गीता रामायण है, इन सबकी व्याख्या खतरे में पड़ जाएगी। जो ऑर्डर चला आ रहा है, बैलेंस बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, शुभ शुभ रहा तो फिर आदमी बाहर कहां निकलेगा, विकास क्या हो, अपने ही विकास सोचेगा, तो इसलिए अशुभ रहना जरूरी है, सृष्टि में बैलेंस होना जरूरी है, अशुभ और शुभ दोनों का रहना जरूरी है, इसी से ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहां तक दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्त, थैंक यू गाइस।